नानी जी, आप आधी रात को कहाँ जा रही हैं? जहन्नुम में, तुझसे मतलब? अरे नहीं, हम जा रहे हैं, हम नहीं रुकेंगे। नानी जी, देखिए हम आपको नहीं जाने देंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जा रही हैं आप? देखो बहुरिया, हम कहाँ जाने दो, नहीं तो। अरे आप क्या ढूंढ रही हैं? अरे हम उचुआ मारने वाला जहर ढूंढ रहे, कहाँ रखा है तुमको मालूम है? आप क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें बताइए बात क्या हुई आखिर? बस बहुरिया, वही बेज्जती के बदले में हमने भोग में छिपकली डाल दी, ताकि माधो को पूरा 4 दिन पूजा पाठ के चक्कर में फंसाए के व्रत उपाय करवा सके। हम जानते हैं भौरिया, अरे हमने ये सब गलत किया, हमका ये सब नहीं करना चाहिए था, बाकी अब पछताने से क्या हो सकता है भौरिया? देखो माई, अब तक तुम हमको यहाँ पर बहुत ही शर्मिंदा कर चुकी हो, इसलिए तुम्हारा यहाँ से जाना बहुत ही जरूरी हो गया है। कला, हम तो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन एक दिन तुम बहुत ही पछताओगी। हमरा ये वचन हमेशा याद रखोगी। हमें लगता है कि हमें मंजू दीदी को मंगल धागा के जलने के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। अरे सरोजा बहू, ये क्या कह रही हो? देखिए चाची जी, हमें लगता है कि मंजू दीदी को मंगल धागा के जलने के बारे में आज नहीं तो कल किसी ना किसी से पता चल ही जाएगा, और फिर जो उनके मन में डर आएगा ना, उसे निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। वो ये सोचेंगी, पता नहीं हम लोग उनसे और क्या क्या छिपा रहे हैं, बस इसीलिए हमें लगता है कि हमें उनको सब कुछ बता देना चाहिए। मंजू बहू के देह में हमरा पोता पल रहा है, यही खातिर ये बात हम उससे तब तक छुपाएंगे जब तक हमरे खानदान का वारिस नहीं हो जाता। पता है आप इस गजरे में ना बहुत खूबसूरत लग रही हैं, जितना सोचे थे ना उससे बहुत ज्यादा। अरे क्या कर रहे हैं आप, अभी तो हमारा कमरा प्रवेश भी नहीं हुआ, और आप हैं कि थोड़ा तो सबर रखिए। अब अरे का सबर रखे धर्मपत्नी जी, आप जानती भी हैं हम कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ये दिन का, और हम कितने बड़े बड़े सपने देखे हैं, और आप कह रही हैं हम सब्र रखे। अरे कैसे रखे सब्र? पतिदेव जी, इतना उतावलापन अच्छी बात नहीं है, हर चीज अपने समय पर हो तो ही अच्छी लगती है। आप थोड़ा सा धीरज रखें। अरे धीरज कैसे रखें धर्मपत्नी जी, और धीरज रखेंगे ना तो बूढ़े हो जाएंगे, पहले वो मंगल धागा जल गया, फिर प्राइस से, तो और अब ये कमरा प्रवेश, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। आप थोड़ा सा धीरे बोले, अगर मंजू दीदी ने ये सब सुन लिया मंगल धागा के चलने के बारे में, पता नहीं उनके दिल पर क्या बीतेगा। इस कमरे में ना आपके और हमरे सिवा और कोई नहीं है, समझी? और वैसे भी जिसको सुनना है ना सुन ले, हमें फर्क नहीं पड़ता। यार बहुत हो गया, पर एक ही कारण ही तो हमरा मिलन नहीं हो पा रहा। चलिए चलिए जल्दी चलिए। माई, अगर आज नानी यहाँ होती तो कितना अच्छा होता ना। माई, आप नानी को रोकी क्यों नहीं? सबकी अपनी अपनी गृहस्थी होती है तारा बहू, जैसे तुम अपना घर परिवार संभाल रही हो, ठीक वैसे ही माई भी अपनी गृहस्थी संभालने गई है।
और देखो तो आज से सरोजा बहू की भी घर गृहस्थी की नई शुरुआत हो रही है। सरोजा अंदर आओ ना, अब किसका इंतजार कर रही हो? दीदी वो मंजू दीदी आ जाती तो। हाँ माँ, मंजू भाभी के बिना ये कमरा प्रवेश पूरा नहीं होगा। हाँ पर मंजू दीदी है कहाँ? अरे तारा बहू, मंजू बहू अभी आते ही होगी। ठीक है भाई, और उसके आते ही इन दोनों का कमरा प्रवेश हो जाएगा, तुम तब तक दम भरो। हाँ और जैसे ही सरोजा का कमरा प्रवेश होगा ना, हमको हमारा नेक भी मिल जाएगा। लो आ गई मंजू बहू। आओ आओ मंजू बहू। भाभी अच्छा हुआ भाभी, अगर आप ना आती ना तो हम ही कमरा प्रवेश करते ही ना। आ जाओ बहू। भीतर प्रवेश कर। आ बेटा। आ भीतर। हुई गवाह कमरा प्रवेश। इतने प्यार से कहा देख रही हैं? ये चाहिए ना आपको, ये लीजिए, दे दीजिए भाभी को। सरोजा छोड़ दो, हम अपने हाथों से पहन लेंगे। सरोजा बहू जानत है हम का चल रहा है तुम्हारे मन में। देखो ये बट सावित्री का व्रत हमरे खानदान में तो नहीं मनाया जाता, ये लिए ये बट व्रत की चिंता न करो तुम। जाओ तुम लोग। बेटा ही चाहिए। का बात है मंजू बहू, तबीयत ठीक है तुम्हारी? अरे ये जड़ाऊ कंगन खातिर कब से हल्ला मचाए रही थी तुम, अब का हुई गवाह? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसे कौनो बात नहीं है। ठीक है सरोजा लो पहना दो। अम्मा जी देवर जी और सरोजा के जाने में सिर्फ 2 ही घंटे बचे हैं और अभी तक तो उनका सामान तैयार भी नहीं हुआ है, तब जल्दी करना होगा ना। हाँ ये बात तो सही है बहू। अरे सरोजा बहू फटाफट तैयारी कर लो अपन, हैं? चलो इन लोगों को तैयारी करने दो, हम लोग चल आओ। चल बहू जी, वो जमीन वाला सौदा अब हम आंखें मूंद कर सकते हैं। मैंने सारे पेपर्स देख लिए, सब ठीक है। ठीक है विजेंद्र बेटा,
हम जानते हैं कि तुम कौनो सौदा करोगे तो ठीक ही करोगे। हमको तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। बस हम एक और भरोसा चाहते हैं तुमसे। बोलिए बाबूजी। वो ये कि तुम मंजू बहू का भी अपने पूरे मन से ख्याल रखोगे। बाबूजी लेकिन यूं अचानक मंजू की बात, मतलब? देखो बेटा, हर लड़की के पहले बच्चे पर उसके मायके का ही हक होता है, और हम अपनी बहुओं को मायके भेजते नहीं। और ऐसे शुभ खबर देने वाली बहुओं की उपस्थिति से हमारी जिम्मेदारी दोगुना हो जाती है। लेकिन बाबूजी, यहाँ तो सभी मंजू का बहुत ख्याल रखते हैं, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ते। बस हम यही चाहते हैं कि मंजू बहू को अपने मायके की कमी महसूस ना हो। क्या जरूरत है ये कंगन बनाने की? सबको जानते बूझते इतना बड़ा अपशकुन होने के बाद भी भगवान सरोजा के पाप की प्रायश्चित कीजा, हमारे इस बच्चे पे मत पड़ने दे, रक्षा करना वो, रक्षा कर। हम सब शोध कर सब छुई थी ना वो, हम सरोजा के पाप की प्रायश्चित की छाया अपने बच्चे पे नहीं पढ़ने देंगे, उसके अशुद्ध प्रायश्चित की छाया हम मटा देंगे, हम मटा देंगे, सब फेंक देंगे, हम सब फेंक देंगे, हम सब फेंक देंगे। अरे नमस्ते मैं। खुश रहो, खुश रहो, जीते रहो, खुश रहो। अरे रवि बेटा, ऐसा अचानक? घर में सब ठीक है ना? हाँ माँ, चिंता की कोई बात नहीं है, घर में सब अच्छे हैं। क्यों रवि? हाँ माँ जी, हम तो बस सरोजा दीदी को सरप्राइज देने के लिए ऐसे बिना बताया गया। क्यों बहन? हमने सोचा दीदी हमें अचानक देखेंगी ना तो खुश हो जाएंगी। अच्छा अच्छा, भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे। अरे कोनो खास दिन तो नहीं है आज सरोजा बहू का जन्मदिन? नहीं नहीं अम्मा जी, आज वट सावित्री है, इसलिए माँ ने शगुन भिजवाया है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हम सारे कपड़े रखते जा रहे हैं और आप है कि निकालते जा रहे हैं। तो और क्या करें? एक बात बताइए धर्मपत्नी जी, हनीमून पे जा रही है या फिर किसी तीर्थ यात्रा पर? हनीमून पर? क्यों? क्यों क्या? तो ये सब कैसे कपड़े रख रही हैं आप? अरे क्या खराबी इन कपड़ों में? खराबी? अरे अब एक के बाद एक साड़ी रखी जा रही, हनीमून पर जा रही, थोड़े रोमांटिक कपड़े रखिए ना। आप भी ना, एकदम नादान। आप तो हनीमून के बड़े एक्सपर्ट लग रहे हैं। कितने हनीमून का अनुभव है आपको? धर्म पत्नी जी, हमारा ये पहला और आखिरी हनीमून है, क्योंकि आप हमारी जिंदगी की पहली और इकलौती प्यार है। ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, समझी धर्म पत्नी जी? और आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि दरवाजा खुला हुआ है। हाँ तो ठीक है, हम बंद कराते हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? बंद नहीं करेगा, लेकिन सरोजा जी वो कहा है ना, दिन का समय और सारे घर वाले भी यही हैं, अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी इतना उतावलापन ना ठीक नहीं है। बस कुछ ही देर में तो हम हनीमून पर जा रहे हैं, तब तक थोड़ा सब्र कर लीजिए। अरे इतने से कहा होगा, ऐसा लग रहा है जैसे फूल टकरा के निकल गया। जोर से मारिए, देखिए देखिए, अपने पति को देखिए।
अरे आपके पति देव का यार हमारी धर्मपत्नी जी तो नाराज हो गए। अरे आप ना बस हंसती और मुस्कुराती रहिए। कबड़ सावित्री है आज और तुमरी अम्मा की मनौती है कि सरोजा बहू को ई व्रत करना है तो सरोजा बहू को ई व्रत करना ही चाहिए। बाकी पूजा पाठ व्रत उपवास में हम कौनो लापरवाही नहीं बरतते पर ई व्रत हमरे खानदान में तो नहीं होता है। और इन लोगों को जाना भी है आज। दीदी दीदी कैसे जी? और बढ़िया, तुम कैसे हो? कैसे है दीदी आप? हम बिल्कुल ठीक है। तुम दोनों कैसे हो? माँ और पापा कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल मस्त है और वो लोग भी अच्छे हैं। सुनिए ना, आज वट सावित्री का व्रत है, हम लोग कल की टिकट ले ले तो। ना ना, कल की टिकट काहे लोगे तुम लोग? ये व्रत कोनो हमरे घर में थोड़ो मनाया जाता है। इकेले जाना काहे टाल रहे? जाओ तुम लोग। जी, आप लोग हनीमून पर जा रहे हैं? हाँ। वाओ, क्या बात है, क्या बात है जीजा जी। कंचन, यहाँ। तुम लोग बहुत दूर से आए हो ना, अब तुम दोनों को आराम की जरूरत है ना, इसलिए तुम आराम करो। और माधव बेटा, सरोजा बहू, अरे तुम दोनों जल्दी करो, जहाज छूट जाएगा। चलो चलो जल्दी निकलो। लेकिन चाची जी। सरोजा बहू, जानत है हम का चल रहा है तुम्हारे मन में। देखो, ये बट सावित्री का व्रत हमरे खानदान में तो नहीं मनाया जाता, ये लिए बट व्रत की चिंता ना करो तुम। आप जानती हैं सरोजा जी, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करते हैं। लेकिन आज हमें पता चल गया कि आप हमें रत्ती भर भी प्यार नहीं करती। सरोजा के यहाँ तो बट सावित्री का व्रत बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा होगा। मुल्क पैसे वाले हैं, अपनी हैसियत के हिसाब से सब कुछ बढ़ चढ़ कर करते हैं। कंचन के और रवि के वहाँ जाने पर हमारी सरोजा, उसके परिवार वाले बहुत खुश होंगे। सच में हमारी सरोजा बहुत भाग्यशाली है, उसे इतना अच्छा घर परिवार और इतनी समझदार बेटी की तरह प्यार करने वाली सास मिली। देखो, ये बट सावित्री का व्रत हमरे खानदान में तो नहीं मनाया जाता, ये लिए बट व्रत की चिंता ना करो तुम। बल्ली भैया, आप गाड़ी रोकिए। क्या हुआ भाभी, क्या बात है? क्या हुआ सरोजा जी, ऐसे गाड़ी कहाँ रुकवा दी? हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसीलिए हम गाड़ी रुकवाए। लगता है कि कोई बहुत ही जरूरी बात है। सरोजा जी, अभी मत बोलिएगा कि हम हनीमून बाद में जाएंगे।
क्योंकि आपको व्रत सावित्री का पूजा करना है। जी हाँ, हम आपसे यही कहना चाहते थे और हम गाड़ी भी इसीलिए रुकवाए। तो आपके लिए व्रत का महत्व अपने पति की भावनाओं से ऊंचा है। कितनी अजीब बात है ना? एक तरफ आपको अपनी पति की भावनाओं का कोई मोल नहीं, दूसरी तरफ अभी व्रत करना चाहती। खूब है सरोजा जी, खूब है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ना, अभी हमारी फ्लाइट में काफी देर है और हम आधे घंटे में पूजा खत्म भी कर लेंगे और आ जाएंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए, माँ की भावनाएं जुड़ी हैं सूरत से और बहुत दिल से उन्होंने पूजा के लिए शगुन का सामान भी भेजा है और इसीलिए हम ये व्रत करना चाहते हैं। हम लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर ये व्रत नहीं होता है। सरोजा जी, ये जानते हुए कि ये व्रत और त्योहार आपके ससुराल में नहीं मनाया जाता, फिर आप ये व्रत का ये सब ड्रामा क्यों कर रही हैं? और वो भी अपने हनीमून को बलि चढ़ाकर? नहीं नहीं, हम आपसे कह रहे हैं ना, बिल्कुल देर नहीं होगी, हम जल्दी से ये पूजा खत्म कर लेंगे, पक्का, फ्लाइट भी नहीं छूटेगी हमारी। आप जानते हैं सरोजा जी, हम आपको बहुत ही प्यार करते हैं, अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करते हैं, लेकिन आज हमें पता चल गया कि आप हमें रत्ती भर भी प्यार नहीं करती। आज पहली बार माधव राय को अपने प्यार पर पछतावा हो रहा है। बल्ली। हाँ माधव भैया। भाई गाड़ी में बैठो, गाड़ी वापस घुमाओ। गाड़ी घुमाओ और घर ले लो, जल्दी चलो बल्ली। बताओ भला ये कौन तौर तरीका हुआ, रवि और कंचन बिन बताया आ गए। अब सरोजा बहू भी नहीं है, रवि भी उका छोड़ के चला गया, इसमें कंचन का ध्यान रखेगा को? मिसेस प्रमुख जी, ये में इतना परेशान होने की क्या बात है? अरे कौन जंगल में है, अपने घर में ही तो है। हाँ जी जी, ठीक ही तो है, कुछ ही दिनों की तो बात है और हम सब लोग हैं ना ध्यान रखने के लिए। और फिर कंचन विद्या भी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। समझदार? इका समझदारी कहती हो तुम? देखी नहीं कैसे जाय करके माधव से लिपट गई हूँ? बताओ भला, एक जवान जहान लड़की के कोनो लक्षण होते का? ये शरीफ घर की लड़की है, कोनो लाज शरम लिहाज है कि नहीं है? कलावती, समझाओ अपनी जीजी को कि समय के साथ साथ रहन सहन का तौर तरीका भी बदल जाता है, वैसे हमें भी जमाने के साथ बदल जाना चाहिए। अब आप भी तो अपने बेटे की खुशी के लिए उसको उसकी बीवी के साथ बाहर जाने दी के ना। अब कंचन भी तो अपनी बहन से मिलने आई, अब कुछ दिन यहाँ रह जाएगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी? कैसी बातें करते हैं जी आप, माधव की खुशी के साथ कोनो चीज का कोनो मुकाबला है का? अरे भूखी खुशी के लिए तो हम दुनिया जहान के कोनो नियम कानून बदल दें?